फ्रेंड्स, आई एम आशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 प्रोडक्ट मेकअप चैलेंज, यानी कि आप केवल 3 प्रोडक्ट मेकअप के 3 प्रोडक्ट यूज करके कैसे एक अच्छा लुक अचीव कर सकते हैं। और ये मेरा जो लुक है मैंने केवल 3 प्रोडक्ट यूज करके ही क्रिएट किया है। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन को भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे जो मेरी न्यू वीडियोज है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो करिए उसको लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर। सो लेट्स चेक द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम और इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं बिल्कुल भी फैंसी नहीं हो रही हूँ, मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर लूँगी। और जब बीबी क्रीम को आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं अपने हाथों से तो फैंसी होने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और प्रोडक्ट यूज करना चाहिए तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं, जिसको मैं अपने आई एरिया के आसपास अप्लाई कर लूंगी। अगर आपको भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ी सी बीबी क्रीम मैं अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर लूंगी ताकि फेस और नेक का कॉम्प्लेक्शन सेम लगे। तो मैं यूज करूंगी फेसिस का अल्टिम प्रो आई काजल और जिसको डॉट डॉट करके अपने अपर आईलिड एरिया पे अप्लाई कर लूंगी और फिंगर की हेल्प से इसको स्मज भी कर लूंगी। स्मजिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाना है। और ये जो काजल है ये इजिली फिंगर की हेल्प से ब्लेंड भी हो जाता है और इस तरीके से हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, यानी स्मज कर लेंगे। और सेम तरीके से मैं अपने दूसरे आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी। सेम काजल को मैं अपनी दोनों लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी और फिर सेम काजल की हेल्प से मैं अपने दोनों आईज पे आईलाइनर भी अप्लाई कर लूंगी। आईलाइनर मैं काफी सिंपल रखने वाली हूँ, आप चाहें तो विंग्ड आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम काजल की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को भी डिफाइन कर लूंगी। अगर आप भी अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए इसी काजल का यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही हल्के हाथों का यूज करना है, क्योंकि इस काजल का जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। अगर आप हल्के हाथों का यूज़ नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़्यादा लग जाता है और जिसकी वजह से जो आपकी आईब्रोज है अननेचुरल लग सकती है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मैट म्यूज और जिसमें मेरा शेड है फ्यूजिया शूड और इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। ये काफी अच्छा वाला शेड है, एक बार आपको भी इसको ट्राई देना चाहिए। लिपस्टिक को मैं ब्लश लगाने के लिए अपने चीक बोन्स एरिया पे भी अप्लाई कर लूंगी और ब्लश लगाते वक्त आपको लिटिल बिट स्माइल करने की जरूरत है ताकि जो प्रोडक्ट है सही जगह लग पाए और इस तरीके से इसको स्मज कर लूंगी। और ये काफी अच्छा ब्लश का भी काम कर रहा है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप मिनिमम प्रोडक्ट यूज करके आप कैसे एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या मेकअप में बिगनर हो, क्योंकि उन सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और उसी टाइम के अंदर उनको रेडी भी होना पड़ता है। सो मिनिमम प्रोडक्ट के साथ आप कैसे एक अच्छा सा लुक भी क्रिएट कर सकते हैं ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो हेल्पफुल रहे तो करिए इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। और इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।